इसी के साथ फाइनल शुरू होता हुआ 17 वर्षीय आयु वर्ग में जींद बनाम हिसार के मध्य और अंडर 19 में हिसार चैंपियन बना है। देखते हैं 17 वर्षीय में भी चैंपियन बनता है कि नहीं। जींद का पहला रेडिस में पायल जो कि सबसे सुपरस्टार जींद की ओर से और इनका खेल निश्चित रूप से काफ़ी बेहतरीन होगा। हिसार की ओर से अपहरण और यहाँ टच पॉइंट ले जी, अच्छी शुरुआत 57वीं हरियाणा स्टेट। गुरुकुल मोर मांजरा से इसमें आप देख रहे हैं ये मेगा फाइनल। टोटस की कोशिश से फाइल की जानकारी यहाँ लगातार दिखाई देगी और पिछले मैच में बेहतरीन भूमिका निभाई थी और यहाँ लीजिए पायल पूरी फॉर्म में दिखाई दी। यहाँ कॉर्नर के ऊपर कमजोरी ढूंढने में कामयाब और टच पॉइंट के साथ शुरुआत की। एक एक स्कोर दोनों ही टीमों का, जो जीता वही सिकंदर। होनार बेटिया इस समय जींद और हिसार जिले की। देखते हैं 19 वर्षीय छात्राओं के पीछे पीछे चल पाती है कि नहीं हिसार की बालिकाएं। पायल एक बार फिर से, पायल से सावधान रहना होगा हिसार को। देखते हैं कैसा डिफेंस यहां साबित करते हैं। बोनस की चाहत और प्रयास काफी बेहतरीन रहा था। देखते हैं यहां बोनस अर्जित कर पाता कि नहीं और बोनस के साथ देखिए 2-1 का स्कोर। एक बार फिर से ये लीजिए, इधर से भी पॉइंटर जीत किया है। 2-2 से स्कोर, तराजू की तरह मुकाबला। एक बार उधर एक बार इधर, कहना मुश्किल आखिर जीत किसकी होगी। क्या खूबसूरती है, क्या बांधगी है इस मैच की और कहना मुश्किल कि ऊँट किस करवट बैठेगा। दोनों टीमें बिल्कुल बराबर की, बेहद कांटे की टक्कर और यहाँ थाई होल्ड, क्या शिकार किया है गजब। जिस गति से आगे बढ़ रही थी उसी एक्शन से डिफेंडर भी आगे बढ़े और दोनों पैरों पर अटैक करते हुए चारों खाने चित्त किया। बहरहाल तीसरा पॉइंट इस समय हिसार के एकदम में 3-2 के साथ हिसार लीड करता हुआ, लेकिन इधर से भी टैकल बेहतरीन है। एंगल होल्ड लीजिए, एक बार उधर एक बार इधर, जब रेड पॉइंट लेके आता तो उधर भी रेड पॉइंट लेके जाता है और जब डिफेंस अच्छा हो तो इस साइड से भी डिफेंस बेहतरीन देखने को मिलता है। यह है खेल की खूबसूरती, इस समय ऐसा फाइनल मुकाबला बहुत कम देखने को मिलता है और जब आज 17 वर्षीय आयु वर्ग की हो तो ये बात और भी ज़्यादा रोमांचक हो जाती है। फिर से देखिए परिवर्तन के तौर पे चली हैं हिसार की ओर से, जो कि हिसार यहाँ बोनस की कोशिश की है। बढ़त क्या फिर से हिसार के पास होगी, अच्छा प्रयास स्नेहा, जी हाँ स्नेहा का सुरमा, जबरदस्त लय में सुरताल संगीत के साथ इस वक्त हिसार पूरी फॉर्म में नजर आता हुआ। 6 का डिफेंस, 1 अंक की बढ़त 4-3 के साथ सेफ कमबैक और नीति का जो कि बेहतरीन डिफेंडर है कॉर्नर के ऊपर, जो एक बेहतरीन एंगल होल्ड दिखाया था। और इधर से ये देखिए फिर से स्नेहा ने एक और यहां पॉइंट अर्जित किया है। अब 2 अंक की बढ़त हिसार के अंगना में। रिद्धनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालक हिसार से टीमें पहुंची यहां हिसार की और यहां लीजिए एंगल होल्ड से करतल धवन ने की सौगात और यहां जानवी हिदायत देते हुए। अब 3 अंक की बढ़त हो चुकी है, देखिए 3-7 का स्कोर, 4 के डिफेंस में नजर आता हुआ जींद। तो जींद अंडर प्रेशर, मुश्किलें बढ़ती हुई धीरे धीरे जींद की। समय बिताया कुछ हद तक और वापस लौटे बड़े मियाँ, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुहाना लाई। समय सभी बालिकाओं में सबसे यंग नजर आ रही हैं, वो रेड पे चली हैं और सिर्फ डी लाइन को छूकर ही वापस लौटी हैं। स्नेहा की जितनी तारीफ रही उतनी कम है, जानवी भी बेहतरीन फॉर्म में है तो हिसार की टीम की दाद देनी होगी मैनेजिंग डायरेक्टर रिद्धनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रिस्पेक्टेड साधुराम जी रेडू, जो कि मैनेज करते हैं स्कूल को और बेहतरीन टीम लेके यहां पहुंचे हैं। इसके साथ टाइम आउट।
फिर से अब जींद दबाव में दिखने लगा, बड़ा रेडर जींद के पास नहीं क्योंकि पायल बाहर है और जानवी चली है, पहला रेड संभवत है जानवी का इस मैच में। चार के डिफेंस में देखते हैं जानवी कितना फायदा उठा पाती हैं। ये मेगा फाइनल 17 वर्षीय आयु वर्ग में हरियाणा स्टेट 57वीं स्कूली गर्ल्स कबड्डी 2024 से गुरुकुल मोर मांजरा करनाल से इस समय, जो कि एक ऐसा स्थान जहां पे हर कोई व्यक्ति सुकून आनंद महसूस करता है और यहां अनुशासन पहली प्राथमिकता, शिक्षा और खेल के साथ साथ संस्कार भी सिखाए जाते हैं। जिस प्रकार नर्मदा माई में बहता तिनका शिवलिंग पे आ जाए वो कैसा महसूस करता है, सिद्धू जी ने कहा था, उसी प्रकार यहाँ गुरुकुल में हर बालिका और हर देवी और सज्जन महसूस करता है। स्नेहा टोटस की कोशिश में बढ़त अभी भी इशार के पास है, तकरीबन 4 पॉइंट की सेफ वापस यहाँ, माफ कीजिए 3 पॉइंट की बढ़त है, 6-3 का स्कोर ही इशार के अंगना में, 3 पॉइंट की लीड हो चुकी है और यहाँ किक करने की कोशिश है, शायद गुमराह किया है। स्नेहा फिर से 6-3 का स्कोर, मुश्किलें बढ़ सकती हैं यहां से अगर पॉइंट कमाया तो जींद ने सेफ ही वापस। रिस्पेक्टेड साधु राम जी रेडू जो कि लगातार दूरभाष के माध्यम से सूचना प्रेषित करते हुए कि 3 अंक की बढ़त बना ली है, क्योंकि उन्हीं के विद्यालय से टीम यहां पहुंची है, रिद्धनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार अंडर 19 चैंपियन बनी है और अब 17 वर्षीय में भी चैंपियन की ओर हिसार। लीजिए फिर से जींद दबाव में है, बोनस की कोशिश लेकिन आसान नहीं, बोनस अर्जित करने में कामयाब, बोनस की बदौलत 4 पे पहुंचा है जींद जबकि 6 पे पहले से, और 7वां पॉइंट देखिए स्नेहा का सुरमा जींद के आगे, 7-4-3 की बढ़त। दबाव कहीं ना कहीं जींद के ऊपर और मनोवैज्ञानिक रूप से भी बढ़त के साथ साथ आगे है, यहां पुश किया मगर लक्ष्य तक पहुंचे सिर्फ इकलौता पॉइंट, 5 पे पहुंचता हुआ, 5-7 का स्कोर, 2 अंक की बढ़त है। धीरे धीरे वापस लौटने की कोशिश में जींद पूरी जिद पे अड़ा है, इसीलिए तो यहां फाइनल में खड़ा है, जिद करो दुनिया बदलो, देखते हैं। और यहां स्नेहा पान पान है, यदि पायल डाल डाल तो स्नेहा पान पान और पायल वापस कमबैक। पायल की जानकार शुरुआती समय में जरूर अच्छी थी लेकिन जैसे उनको शिकार किया था बेहतरीन कैच की शिकार हुई, इसके बाद फायदा उठाया हिसार ने, 8-5 का स्कोर और यहां पे लक्ष्य तक पहुंच गए हैं, हाथ को नियंत्रित नहीं कर पाई डिफेंडर, 2 पॉइंट यहां गवाए हैं। 7 पे पहुंचता बाद जींद और तराजू की तरह मुकाबला फिर से तुल गया। स्नेहा फिर से ये देखे, कभी उछल कूद उनकी, कभी बैक फुट पे तो कभी फ्रंट फुट पे ललचाने की कोशिश और आमंत्रित करना चाहती थी मगर चौकन ने यहाँ जींद पायल एक बार फिर से आगे चली है। पायल से बहुत ज़्यादा अपेक्षा क्योंकि टीम की रीड सबसे बेस्ट रेडर है जींद की ओर से। 5 के डिफेंस के साथ इस समय हिसार मुकाबला लगभग बराबरी का, 7-7 स्कोर और यहाँ सेफ कमबैक। तराजू बंटवारा कर देती किले में, 1000 ग्राम आधा आधा बंटवारा होता जब 500-500 ग्राम, बिल्कुल पलड़े बराबर हैं। 5 के डिफेंस में इधर भी दोनों ही टीमें 5-5 के डिफेंस के साथ खेल रही हैं, देखते हैं पलड़ा किसका झुकेगा, स्कोर भी लेवल है 7-7 से और देखते हैं किसको मिलता है 7-7 के साथ दूधिया रोशनी में। आज पायल फिर से मस्तिष्क में अध्ययन के साथ आगे बढ़ी है, गहरी मंत्रणा पीछे मुड़ के देखा और अपनी एकाग्रता को बेहतर बनाने की कोशिश। होनार बेटियां इस वक्त हरियाणा प्रदेश की, हिसार बनाव जीत, फाइनल जंग मेगा फाइनल, देखते हैं आखिर किसके सर पे होगा ताज।
इससे पहले अंडर 19 में हिसार चैंपियन बना है 41-22 के साथ 19 पॉइंट के बड़े अंतर से खिताब पे कब्जा जमाया हिसार ने और उसके पीछे पीछे चलता हुआ पद चिन्हों पे 17 वर्षीय आयु वर्ग में और यहाँ कॉर्नर पे टच पॉइंट मिलेगा। जी हाँ, शायद ऐसा लगा कि टच है कहीं ना कहीं, लेकिन सेफ है। एक बार लगा शायद काफ़ी करीब है, फिर से पायल आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश, लेकिन मुश्किल हो सकती है और यहाँ पहुंच गए। अरे वाह भाई वाह, 2 पॉइंट फिर से, तो पिछली 2 राइड से 4 पॉइंट हैं पायल की झनकार में। और तमाम VIPs यहाँ देखे इस मैच का आनंद उठाते हुए बिल्कुल अनुशासन के साथ, प्यास बुझाना भी जरूर। दोस्तों यहाँ सब कुछ बिकता है, रहना जरा संभल के, सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, 3 लोक में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी। बिस्लेरी पानी से प्यास बुझाई और यहाँ तमाम ऑफिशियल्स दस्तावेज पर नज़र डालते हुए। पहली बार भड़त पे जींद और इशार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, पर कॉर्नर पे कमजोरे और यहाँ इकलौता पॉइंट ही सही, मगर मनोवैज्ञानिक रूप से वापस मैच में हिसार। स्कोर 9-8 का होना चाहिए शायद, कहीं ना कहीं 1 पॉइंट की बढ़त अभी भी जींद की जिद में है, तो देखते हैं सेफ ही वापस। माफ कीजिए, 9-9 से बराबर है स्कोर और देखते हैं पलड़ा किस तरफ झुकता है। अब जिस तरफ पॉइंट जाएगा बढ़त उसी की होगी। स्नेहा पूरी फॉर्म में और बोनस के साथ, देखे इशार गोज टू इन डबल फिगर, बढ़त वंस अगेन हिसार के पास। जींद की ओर से पायल बहुत बेहतरीन फॉर्म में, सुर एक ताल संगीत के साथ यहाँ टच पॉइंट शायद कॉर्नर से, और अब स्कोर पुनः 10-10, जींद ऑल्सो गोज टू इन डबल फिगर। स्कोर है इस समय 10-10 का और यहाँ दिलीप जी प्रधान जी जो कि लगातार टकटकी लगाए हुए तमाम आला दर्जे के सीनियर इस मैच का आनंद उठाते हुए, कृष्ण लाल जी जो कि स्थानीय गांव से हैं यहाँ। स्नेहा ही फिर से चले हैं इशार की ओर से, स्नेहा का सुरमा तो वहीं, जींद की ओर से पायल की झनकार और इनके बीच है ये फाइनल मैच का आकार। देखते हैं कैसा रूप रंग लेता है यहाँ लंबी उड़ान और यहाँ 2 पॉइंट हो गए। क्या देखिए दर्शकों में हलचल, खुश होते हुए यहाँ और साधु राम जी एरेडो बहुत प्रसन्न दिखाई देते हुए, जैसे 2 पॉइंट से बढ़त बनाई है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिद्धनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार के, और हिसार की टीम ने क्या बखूबी खेल दिखाया है। काफ़ी तादाद में इसमें गुरुकुल मोर मांजरा और वहाँ पहुँचे हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों से खिलाड़ी। फिर से पायल ही चली हैं और निश्चित रूप से इन्होंने खेल को जो खूबसूरती प्रदान की है जींद को, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ। हालांकि 2 अंक पीछे अभी भी 12-10 का स्कोर, जींद की झोली में 10 पॉइंट आए हैं, तो वहीं हिसार 12 पॉइंट बटोर चुका है, लेकिन टक्कर बेहद कठिन, 1 रेड से खेल बदल रहा है, ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ देर पहले मैच तुला हुआ था, 9-9 से बराबर था, फिर 10-10 से बराबर, लेकिन स्नेहा की उस रेड ने 2 पॉइंट की बढ़त दिला दी और फिर से रेड पे। यहाँ यदि स्नेहा सफल रही तो अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है फर्स्ट हाफ में हिसार को। यहाँ गलतियों से बचने की कोशिश, सेफ ही कमबैक, सावधानी से खेल को आगे बढ़ाता हिसार, क्योंकि अच्छी गुरु मंत्रणा कोच और स्कूल डायरेक्टर जो कि साधु राम जी रेडू जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिद्धनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालक हिसार के, और यहाँ पॉइंट गंवाया है कॉर्नर पे। जब जब तारीफ करते हैं तो अक्सर कहीं ना कहीं नज़र लग जाती है, लीजिए हाफ टाइम का समय मध्यांतर के समय, चलिए चेंज द कोच, कोचिज यहाँ कोच के द्वारा, और हाफ टाइम में देखते हैं क्या गाइडेंस रहती। फर्स्ट हाफ 12-11 के साथ, सेकंड हाफ लीजिए अब
वापस मैच बराबरी पे 12-12 जींद पूरी जीत पे। और पायल जो पूरी फॉर्म में हो तो यहाँ विपक्षी टीम के हौसले पस्त हो जाते हैं और पॉइंट अर्जित किया, फिर चेब ऑल आउट का खतरा बढ़ेगा हिसार के लिए। अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बाजी यहाँ पलट सकती है। चेंज कोर्ट क्या किया, यहाँ मैच भी चेंज होने लगा है। अब एक अंक की बढ़त पे और ये लीजिए फिर से बेहतरीन एंगल होल्ड, 14-12 का स्कोर, 2 अंक की बढ़त। पायल ऑल आउट करने के लिए यहाँ आत्मसमर्पण हिसार का, और आसानी के साथ पहली बार ऑल आउट किया है जींद ने हिसार को इस मैच में। 17 पे पहुंचता जींद और 12 पे रुकावा हिसार। दूसरे हाफ में पहले पॉइंट की प्रतीक्षा में स्नेहा बोनस तक पहुंचते हुए, शायद क्लियर नहीं था, प्रयास जरूर बेहतरीन था। 2 बार 5 अंक की जो बढ़त बनाई है ऑल आउट करते हुए, बढ़त के साथ साथ मनोवैज्ञानिक लेट भी और उसी दबाव में गलती करता हिसार। अब यहाँ अब मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही, मुश्किल हो सकता है स्नेहा को यहाँ सफल रेड दिखानी होगी। ऑडियंस भी पूरी सपोर्ट के साथ इस समय, दर्शकों को तो आनंद की आवश्यकता है, चाहे टीम हारे या जीते, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत बेहतरीन। 17-12 12 अंक की लीड पे है इस वक्त, माफ कीजिए 12 हिसार और 17 जींद, यानी 5 अंक की बढ़त पे। और ढाई लगाते हुए हवा में गोता लगाया टच पॉइंट, ये पिछले मैच में भी इनकी बांधगी कुछ इस तरह ही देखने को मिली थी। हिसार अब चेहरे झुकने लगे हैं। 18 जींद 6 अंक पीछे मुकाबले में, टॉटच की कोशिश में, क्या बोनस अर्जित करना चाहेंगे, ललचाने का प्रयास लगातार, और यहां बैक होल्ड की कोशिश पहुंच गई है बड़ी देर से सफलता। स्नेहा को 1 अंक का इजाफा, यह पहला पॉइंट दूसरे हाफ में। 13 पे बढ़ता हुआ 13-18 5 अंक की लीड जो की थी पायल मंत्रणा सहेली की। पायल बेस्ट रेडर जींद की ओर से, जबकि निकिता बेस्ट डिफेंडर जींद ओर से, लेकिन इधर से स्नेहा बहुमुखी प्रतिभा की धनी। और यहाँ बैक होल्ड, अरे वहाँ भाई वाह, ये है हिसार की डिफेंडर, कमाल कर दिए 9 नंबर ने, जबरदस्त बैक होल्ड देखने को मिला, बड़ी मछली जाल में फंसाई और अब वापसी का अवसर बनेगा। 14 पे पहुंचता हुआ 14-18 अब सिर्फ 4 अंक पीछे है। निकिता ने हिदायत दी है इस समय, नितिका ने माफ कीजिए, पायल बाहर है तो यहाँ दबाव कहीं ना कहीं, देखते हैं यहाँ यदि शिकार कर लिया फिर जींद के हाथ से पकड़ कमजोर हो सकती है इस फाइनल की, समय बिताने की चाहत, क्योंकि दूसरा हाफ का खेल और बढ़त को देखते हुए समय बिताना भी फितरत है, जान भी चली है इस समय। स्नेहा लगातार रेड आगे लेके जा रही थी, इसलिए थकान भी महसूस करने लगी होंगी, क्योंकि 15-5 का मुकाबला और यहाँ परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि मजबूरी है पायल की गैर मौजूदगी में, इन्हें ही अब रेड की भूमिका निभानी होगी। केवल साधारण तरीके से ललचाने की कोशिश है, निस्समय बिताने की फितरत, डू और डाई नहीं, इसलिए दबाव थोड़ा सा हिसार के ऊपर। स्नेहा को एक सफल रेड चाहिए, क्योंकि 5 का डिफेंस, इसलिए बोनस ऑफ, तो ये थोड़ी सी दुविधा है स्नेहा के नज़रिए से देखा जाए तो, यदि यहाँ सफल हो गई तो धक्का दिया और अब छोड़ने वाला नहीं जींद। और यहाँ बेहतरीन एंगल होल्ड और कमाल का, वापस मैच में जींद 19 पे पहुँचता हुआ, अब 5 अंक की बढ़त पुनः, अब वापसी करना कठिन होगा हिसार के लिए। हिसार अंडर 19 में जीत चुके खिताब, जबकि 17 वर्षीय में इस समय थोड़ा सा स्ट्रगल करने की कोशिश, जूझता हुआ जींद के सामने, बोनस के साथ अच्छा प्रयास किया, और ये देखिए खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। 20 पे पहुंचता जींद अपनी जिद से पीछे नहीं हटा और बढ़त बनाने में आखिर कामयाब रहा। फर्स्ट हाफ में बढ़त
किसार के पास थी, लेकिन यहां बोनस से अब 15 पे पहुंचा। बीस पंद्रह का स्कोर। लीजिए ऑफिशियल टाइम आउट दिया गया था किसी कारणवश, और अब रेड पुनरावर्ती पे बैक होल्ड और फायदा उठाता है यहाँ किसार। अब 16 पे पहुंच गया है, 16 भी सिर्फ 4 अंक पीछे स्नेहा को। थोड़ा सा आक्रामक खेल दिखाना चाहिए 5 का डिफेंस भले ही, लेकिन एक अच्छी रेड से वापस आ सकता है। अब इशार यहाँ से पॉइंट गंवाया और सफलता के साथ लीजिए 10 पॉइंट यहाँ 17-20, सिर्फ 3 अंक का गैप है। 3 पॉइंट की बढ़त अभी भी जींद के पास, जींद समय बिताने की कोशिश में। जानवी जोखिम उठाने की जरूरत, क्योंकि समय दबाव बढ़ाएगा और यहां से पॉइंट गंवा दिया तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी और पिछड़ता जाएगा मैच में हिसार। तो हर हाल में पॉइंट चाहिए, वो या तो बोनस या फिर पॉइंट, और यहां अवसर है, पा लिया है मौका हिसार ने 10 पॉइंट के साथ 22 पे। स्कोर इस समय 26-22 यानी 4 अंक पीछे इसलिए साधु राम जी रेडू जो की मैनेजिंग डायरेक्टर रिद्धनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालक हिसार के। दबाव में हिसार, जानवी चली है, जानवी अंडर प्रेशर है और यहां किक करने की कोशिश, लक्ष्य तक पहुंचे, बड़ी रेड यहां 1 पॉइंट के साथ। धीरे धीरे वापस मैच में, 3 का डिफेंस और यहां मौका है, देखते हैं जानवी क्या वापसी करा पाएगी टीम की। 3 के डिफेंस से 1 सफल रेड, खेल बदल सकती है ये फाइनल। समय गंवाना ज्यादा अच्छा नहीं और यहां समय बिताना चाहेंगे शायद। दो पॉइंट की बढ़त है संभवतया, 60 सेकंड का खेल शेष, 1 चली है, 1 पॉइंट यहां जीत किया है। पूरा समय लिया तो क्या मैच समाप्त होगा, और यह लक्ष्य तक पहुंच गए 10 पॉइंट। 1 चली है जीत के दहलीज पर, इस समय जींद हिसार थोड़ा सा पीछे है और यहां टच किया है और लक्ष्य तक पहुंचा ऑल आउट के साथ 4 पॉइंट। ऑल आउट के साथ ही बढ़त पे हिसार और अब पायल है 1 पॉइंट से, यहां जीत नहीं होगी हिसार की और रडर शेप 1 पॉइंट और यहां समय 1 मिनट का दिया गया था, उसके बाद समय बीत जाना चाहिए था, लेकिन अब हिसार फाइनल के जीत के करीब। 10 पॉइंट लीजिए हिसार एक बार फिर से यहां खिताब जीतने के करीब, और ये लीजिए समय समाप्त यहां, और अंडर 17 में भी चैंपियन बना है। वेल प्लेड, अंतिम समय में क्या बाजी पलटी, स्नेहा ने कमाल कर दिया, कोच इस समय खुश, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। वाह, खेल खिलाड़ियों का, 19 वर्ष के बाद अब 17 वर्ष में भी चैंपियन, और जानवी तमाम खासकर स्नेहा की जितनी तारीफ करें, और एक जो डिफेंडर थी बैक होल्ड में नंबर 9 पहचान संख्या, जबरदस्त, खुशी का ठिकाना नहीं, गोल्ड जीता यहां साधु राम जी मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि रिद्धनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालक हिसार, चैंपियन बना दोनों खिताब हिसार के नाम, वेल डन। यह है
गुरुकुल मोर मांजरा करनाल से चैंपियन खिताब के कुछ यादगार लम्हे, ऐतिहासिक पल बहुत याद आएंगे। इस ग्रेट शुभरात्रि के साथ आपको वापस ले चलता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई एक दूसरे को, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। यहाँ बधाई देते हुए रिस्पेक्टेड साधु राम जी रेड्डी, और आइए अब आपको वापस स्टूडियो ले चलते हैं। हैव ए ग्रेट डे, हैव स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।